हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और देखिए, नेक्स्ट हमारा डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी में क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एच ऑफ एक्स दे रखा है और लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स दे रखा है। एक में तो नॉर्मल लेस देन या ग्रेटर देन करके दिया हुआ होगा और एक में जो है वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू करके दिया होगा। देन वॉट यू हैव टू डू, तो आपको तब क्या करना है, देखो ध्यान से। तो आपको क्या करना है कि इस टाइप से जब भी कभी दिया हुआ होगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स कर लो। एक्स इज लेस देन एच ऑफ एक्स और एक एच ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर लो। जब भी कभी इस तरीके से दिया होगा तो हाँ, आपको इन दोनों के बीच में क्या ले लेना है, जो है इंटरसेक्शन। क्या क्या ले लेना है आपको? इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे एक ये हो गया, इन दोनों के बीच में आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। और वही आपका जो आंसर आएगा, इसको इस तरीके से करना है, देन उसके बाद में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको इस तरीके से करना है, देन इसको आपको सॉल्व करना है और उनके बीच में ले लेना है आपको इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको मिलाकर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या? इससे मिलाकर आपको क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ ये चीज़। जैसे देखो, आपका ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डबल इनइक्वालिटी क्वेश्चन है। देखो, मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, मतलब ठीक क्वेश्चन है आपका, -3 इज लेस देन 2x -7 अपॉन में 5, 7 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। हाउ टू डू इट, देखो अभी बात करते हैं इसके ऊपर। देखो, जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा, देन सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि है ना, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है इसमें। सबसे पहले आपको -3 इज लेस देन 2x -7 अपॉन 5, एक तो इसको अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। और एक 2x -7 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 8, इसे अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो ये तो 5 का आपको इसका साइन पता है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो माइनस का 15 लेस देन 2x -7, तो 2x इक्वल टू, मतलब 2x और ये साइन एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, -15 +7, तो ये हो जाएगा -8, हो जाएगा -8, तो ये कट के कितना हो जाएगा, माइनस का 4, तो यानी x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। आगे इसे देखो, 2x -7 लेस देन इक्वल टू 8, 5 या 40, और 40 और 7 47, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 47 अपॉन में 2, क्लियर। अच्छा, अब देखो इसका आपको किस तरीके से इसका नंबर लाइन पे इसको प्लॉटिंग करनी है। देखो ध्यान से, ये हो गया एक, तो यानी आपका एक आंसर तो कहता है कि वो -4 से बड़ा है, तो -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा तो इधर की तरफ होता है और है भी न्यूमरेटर में ही, तो ये तो क्या हो जाएगा, पोलो सर्कल, और ये इधर चल गया,
ठीक है। दूसरा आपका क्या कहता है कि माइनस के 47/2 से या तो छोटा है या फिर उसके बराबर है, तो ये, और वैसे भी इसमें तो ये जो है ये आपका मतलब डार्क सर्कल में होगा, तो यहाँ पे कहीं पे मान लो 47/2 है जो कि लगभग जो है 23.5 होता है। सही बात है ना, 23 और 23 46 होते हैं, 23 23 46। उस तो इसके बाद में अब इसको हमें क्या कर देना है, इसको आपको डार्क सर्कल और ये इधर चल जाएगा, ये इधर। अब हमें ये देखना है कहाँ पर ये एक दूसरे को जो है ओवरलेप करते हैं, कहाँ पे एक दूसरे को ओवरलेप करते हैं। तो देखो गौर करो, ये एक दूसरे को ओवरलेप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -4 से 47/2, 47/2 में डार्क सर्कल है, तो ये डार्क सर्कल हो गया। क्लियर, डन। देखो नेक्स्ट पे बात करते हैं, जस्ट 1 मिनट।